कैथल के जिला लघु सचिवालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के साथ गठजोड़ करने के लिए दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा धान खरीद घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बेमेल बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने जल्द ही सरकार के गिरने का दावा भी किया। आइए कांग्रेस नेताओं की बात सुनते हैं। ट्रांसफर के अधिकार मिले आपको, अपने आप पता लग जाएगा सेक्रेटरी की बढ़ती भीड़ से कौन किस भाव में क्या काम कर रहे हैं। दुष्यंत और आए किस लिए सरकार में? केवल अपना जुगाड़ बनाने के लिए, अपनी किसी साथी की मदद नहीं की। जिन्हें मंत्री पद के सपने दिखाए वो आज ये सोच रहे हैं तुमसे क्या गलती होगी, तुम इनके साथ आगे कहीं और देख लेते। तो इनका तो एक ही उद्देश्य था, किसी प्रकार से सत्ता में आए। और दो मंत्री ऐसे बन गए, एक दुष्यंत और एक बेज साहब। कांग्रेस तो इकट्ठी रह जाए इतना बहुत है, ये दोनों बहुत है बीजेपी में और जेजेपी में एक दूसरे का काम करने के लिए। ऐसे है घोषणा तो इन्होंने बहुत की, बीजेपी और जेजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी है। इन्होंने ये कहा था कि 75 पार करेंगे और यही दुष्यंत कहता था 75 नहीं पार करेंगे, जमुना पार करेंगे। अब जमुना पार करने वाले 75 पार करने वाले तो हो गए यार यार, और ये लोग कहाँ गए? जिन्होंने वोट इनको दी है वो कहाँ गए? उनको पूछा इन्होंने? इन्होंने जो अपनी कुर्सी थाने की थी कुर्सी थ्या ली। ये सारे बेईमान हैं, चोर हैं, ठग हैं, पूरा झूठ बोलते हैं। सवाए झूठ बोलने के बाद ना तो मुख्यमंत्री के पास कोई बात है, ना उप मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसी बात है। इन्होंने लोगों के साथ हेराफेरी करी है, लोगों के अंदर चीज से देखो कितने लोग आए हुए हैं। एक छोटे से डिमांड पे प्रधान जी के छोटे से डिमांड पे कितने लोग आए हुए हैं, इस करके लोग बहुत दुखी हैं। ये तो मौका आएगा तो लोग बताएंगे, और ये ज़्यादा चल रहे। एक बात बताऊँ, हल जुड़ता है ना, हल दोनों बैलों के एक तरफ मुँह होते हैं तभी हल खींचते हैं। एक बैल का तो इधर मुँह है लेफ्ट हैंड और एक का राइट हैंड है, कब तक चलेंगे? ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा साल डेढ़ साल चलेगी। और ये जो मोदी जी हैं इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी, ये कब तक? अब लोग समझ गए, लोग समझ गए, पढ़े लिखे लोग हैं, लोग समझने लग गए, और ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इस करके इनका अंत होने वाला। थैंक यू। धान की जिस तरीके से सरकार ने लूटपाट करवाई है, करी भी और करवाई भी धान को लेकर के, क्योंकि धान के मूल्यों में बड़ा अंतर है, 1300 से लेकर के 16 तक 1835 ईआर बहुत कम बिका। और जिस तरीके का विरोधाभास, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इनकी सरकार के दो मंत्री कह रहे हैं, अनिल भी साहब कह रहे हैं कोई जांच नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। दूसरे घोटाला कहता है घोटाला है, हम ये चाहते हैं कि जांच सीबीआई। जब एक सरकार के दो मंत्रियों का विरोधाभास हो जाता है तो तीसरी फिर फैसला करती है सीबीआई, सीबीआई से जाँच होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था, आज ये कहते हैं कि 5% जीडीपी है, हम कहते हैं कि जो देश के अर्थशास्त्री हैं, दुनिया के अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि जीडीपी 2.5 रहेगी। जब जीडीपी देश की 2.5 रहेगी, बेरोजगारी दर 18% से ऊपर निकल जाएगी। और जब आज 18% बेरोजगारी का एक नतीजा है कि प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके से हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आप बाहर को छोड़ो, यानी कि पार्षद जैसे पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद पार्षद है, पार्षद है और चौकीदारों को पीटते हैं। इनके पार्टी के नेता दूसरे नेताओं को गोलियों से मारे, चैन स्नैचिंग की केस, अब रोज गाड़ी चोरी होती है 20 सेक्टर से, मैंने सुना है कि दो गाड़ी चोरी कर 4 गाड़ी चोरी कर। तो इस तरीके से जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि उस पर नियंत्रण रखो, अच्छे अफसरों को रखा। चौथा हमारा इशू है जो बहुत ही मेजर है, वो ये है कि जब से ये सरकार बनी, या क्या जननायक जनता पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के आपस में मुख्यमंत्री कुछ कहता है, उसका उप मुख्यमंत्री कुछ कहता है। मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया, हम धान के 1000 रुपये प्रति एकड़ देंगे,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, और उनकी माताजी भी एक बड़ा स्तंभ बनी हुई है जो जननायक जनता पार्टी की विधायिका है। कल उन्होंने एक बयान दिया कि हम कर्जा माफ नहीं कर सकते। दुष्यंत सिंह कहता है कि कर्जा माफ की मैंने घोषणा की थी, उसके वोट भी मिले। जो किसान वर्ग ने वोट दिए जीजीपी को, वो बीजेपी के खिलाफ दिए, तो कर्जा माफ करेंगे। अब कर्जा माफी से मना कर दिया तो ये बल्कि बहाना बना दिया कि भाई हम कर्जा माफी करने की जरूरत क्या है, तो सरकार ने पहले कर दी। इस कमबख्त को इस बात का ज्ञान नहीं है, जिस ओहदे के ऊपर बैठे हैं इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि ये सृष्टि का आज के दिन सबसे झूठा उप मुख्यमंत्री साबित हुआ, जिसने 18 दिन में 1800 झूठ बोल दी। कर्जा माफी किस तरह बकाया आप खुद बोलो। ये मनोहर लाल जी की कैबिनेट ने फैसला नहीं किया था आज से 5 महीने पहले कि 30 नवंबर तक जो डिफॉल्टर हैं कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ नहीं था, केवल उनका ब्याज माफ था, पेनल्टी माफ थी। ये उसको कर्जा माफी कह करके लोगों को बकाते हैं। इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग में मेरी सरकार बना दो, मैं 5100 रुपये पेंशन दूंगा। 3 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी हैं, आज तक उसका इस पेंशन बढ़ाना तो दूर, उस टॉपिक को भी कैबिनेट में दुष्यंत चौटाला ने नहीं उठाया। तीसरा, इसने झूठ बोला कि हम 75% नौकरी हरियाणा के बच्चों को देंगे। ये तो खुद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, होंडा देख रहे हो आप किस तरीके से, होंडा ने मना कर दिया कि जो मजदूर हमने 2500 निकाले थे हम निकालेंगे, ले उन्होंने होंडा के ऊपर एक्शन। यानी कि सारा दिन झूठ की राजनीति करता है। माँ कहती है दुष्यंत को पूरा चीफ मिनिस्टर बना दो, वो कहता है कि अभी हमारी सरकार नहीं है। अजय चौटाला जब जेल से बाहर आए वो ये कह के 14 वर्ष के बाद बनवास टूटा, तो इनको तो ऐसा काम हो गया, खुद की तो होगी मौज। अरे सारी व्यवस्था के पीछे क्या काम करिए, आज मुझे समझ में आया। आज जिस तरीके से अजीत पवार को ईडी की समनिंग दिखा करके और एनसीपी से अपने उसके परिवार को तोड़ा है, ठीक उसी प्रकार से दुष्यंत चौटाला का भाई, इनकी माताजी, तीनों पे ईडी की समनिंग है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।